हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे अंडे की कतली, बहुत ही टेस्टी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। ये हमने 5 उबले हुए अंडे ले लिए हैं, इसे हम साफ़ कर लेंगे और 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने चॉप्ड कर लिया है बारीक, और 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स। 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 हरी मिर्च और आधा कप हरा धनिया, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक एज़ पर टेस्ट। अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। अब उसमें कटी हुई प्याज और कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे और प्याज को हम लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमने इसे लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए। देखिए, हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और जले ना। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेल छूटने तक हम भून लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें जो हमने अंडे की कतली बनाई थी वो ऐड कर लेंगे। हरा धनिया ऐड कर लेंगे और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अंडों को हमने 4 टुकड़ों में कट किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 1 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। ये देखिए, हमने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और अंडा कतली सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर।